वेलकम फ्रेंड्स, आज आप लोगों को मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी दूंगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट है क्या, उसके क्या इंडिकेशंस हैं, क्या रिस्क होते हैं, कितने में हो जाता है, क्या ये कोई सर्जरी है, खर्च कितना आता है, कहाँ कहाँ पे हो जाता है, राइट, और डोनर वगैरह क्या होते हैं, डोनर कहाँ से मिलते हैं, इन सारे विषयों में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, या इसको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी बोला जाता है। इसको अगर सबसे सरल भाषा में समझाना हो तो ये इसका मतलब होता है कि किसी भी बीमार व्यक्ति के बोन मैरो में उसके सेल्स को नष्ट करके किसी हेल्दी डोनर के सेल्स को डाल देना। तो सपोज करो कि कोई व्यक्ति है जिसके बोन मैरो में सेल्स खराब बन रहे हैं, जैसे कि कैंसर के केसेस में होता है कि ब्लड कैंसर है, उसमें जो कैंसर का सेल्स है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, जीन खराब हो जाता है। तो मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसका ये बोन मैरो है, हड्डी के अंदर मैरो होती है जिसमें ब्लड के सेल्स होते हैं, उसमें कुछ फैट सेल्स होते हैं, कुछ फाइब्रोब्लास्ट वगैरह होता है जिसको पूरा बोन मैरो बोला जाता है। तो सपोज करो कि ये पेशेंट की मैरो है जिसमें खराब सेल्स बन रहे हैं, जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया या कैंसर में होता है, उसमें ये कोई हेल्दी डोनर है जो अच्छा सेल्स बना रहा है, तो इसके सेल्स लेके और इसमें डाल देना है, बस इतना सा काम करना है। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसा होता है, स्टेम सेल्स डालने हैं, ब्लड के अंदर ही स्टेम सेल्स होते हैं, ज्यादातर स्टेम सेल्स बोन मैरो के अंदर होते हैं, कुछ ब्लड के अंदर भी सर्कुलेट करते हैं। तो स्टेम सेल्स को पकड़ना है इससे और इसमें डालना है। ये प्रोसीजर इतनी सिंपल तो मैंने बता दी है, लेकिन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले तो इंडिकेशन की बात करेंगे, किस केसेस में कराई जाती है। तो इंडिया में जितने भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर केसेस हैं थैलेसीमिया मेजर के, जिसमें एक खून की बीमारी है, इसके अलावा कुछ और भी हीमोग्लोबिनोपैथी हो सकती है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, राइट, लेकिन थैलेसीमिया मेजर, और इसके अलावा ब्लड कैंसर है, जैसे कि ELL है या AML है, CML के केसेस है, राइट, मल्टीपल माइलोमा है, इसके अलावा कोई प्लास्टिक एनीमिया के केसेस हैं या माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम के केसेस हैं, कुछ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हैं ब्लड से संबंधित, या कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है जिसको कीमो या रेडियो देने से किसी और जगह का कैंसर है, उसकी बोन मैरो खराब हो गई, उस केसेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। मेजॉरिटी आप जो केसेस होते हैं वो थैलेसीमिया के ही होते हैं और कुछ ब्लड कैंसर होते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि इसको कैसे करा जाता है, थोड़ी सी इसकी बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जो सबसे शुरुआत में है कि एक डोनर ढूंढना है, सुटेबल डोनर ढूंढना है, क्योंकि डोनर से हमें लेना है स्टेम सेल्स। ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स एक ऐसा सेल्स होता है जो ब्लड के सारे सेल्स बना सकता है, जैसे कि मान लो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स है वो WBC भी बनाएगा जो कि इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है, प्लेटलेट भी बनाएगा जो कि खून का थक्का बनाता है, और RBC भी बनाएगा जो कि ऑक्सीजन ले जाता है। तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स को किसी डोनर से ढूंढना सबसे कठिन काम यही होता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट को दो टाइप का बोला जाता है, एक तो होता है ऑटोलॉगस। ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट में पेशेंट के खुद के स्टेम सेल्स को खुद के अंदर चढ़ाया जाता है, तो ये बहुत कम परफॉर्म करा जाता है, क्योंकि ज्यादातर बीमारियों में जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है उसमें तो पेशेंट का जो स्टेम सेल्स है वो खुद खराब है, खुद डिफेक्टिव है। तो ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट यूजली तब किया जाता है जब किसी को सपोज करो कि कहीं दूसरी जगह कैंसर है और कीमो रेडियो देना है और ऐसा लग रहा है कि कीमो रेडियो देने से इसका बोन मैरो खराब हो जाएगा, उस केसेस में उसके स्टेम सेल्स पहले ही ले लिए जाते हैं, हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं, और उसके ट्रीटमेंट के बाद जब बोन मैरो अगर उसका खराब होता है तो उसको चढ़ा दिया जाता है। तो ऑटोलॉगस बहुत कम परफॉर्म करा जाता है। जो मेन ट्रांसप्लांट होता है वो है एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। एलोजेनिक का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति के बोन मैरो से स्टेम सेल्स ले लेना। अब ये दूसरा जो व्यक्ति होगा वो HLA मैच्ड होना चाहिए, जो पहली जो इसकी कंडीशन है, जो पहली चीज है कि HLA मैचिंग होनी चाहिए। अब HLA मैचिंग जो सबसे ज्यादा मिलती है वो है सिबलिंग का, मतलब जो मरीज है उसके भाई का और उसके बहन का, जिसके मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा भी अनरिलेटेड डोनर हो सकता है, लेकिन इंडिया में ये अभी इनिशियल फेज में चल रहा है, बहुत ज़्यादा इस तरह से अनरिलेटेड डोनर की HLA मैचिंग नहीं है, कोई रजिस्ट्री सिस्टम बहुत अच्छा नहीं काम कर रहा है, धीरे धीरे बन रहे हैं। तो अनरिलेटेड दूसरा भी डोनर दे सकता है जो HLA मैच हो। और एक तीसरा है कि जो मदर फादर हैं जो हाफ मैच हो सकते हैं, बच्चा मदर फादर जो है वो हाफ मैच हो सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, पर उसमें जो सक्सेस रेट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये तो बात हो गई कि ये डोनर हैं। अब डोनर से जो स्टेम सेल्स निकालना है इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। अब स्टेम सेल्स जो मिलते हैं तीन तरीके से मिल सकते हैं, राइट। एक है कि बोन मैरो से डायरेक्ट ले लिया जाए, बोन मैरो में स्टेम सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्टेम सेल्स को ले लिया, उसके ऊपर CD4 रिसेप्टर होता है जिसको आसानी से एफरेसिस मशीन द्वारा
पिकअप कर सकते हैं, और दूसरा ब्लड से ले सकते हैं, लेकिन ब्लड में चूंकि स्टेम सेल्स बहुत कम होता है, तो अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में से स्टेम सेल्स लेना है तो उसके पहले उसको दवाई दी जाती है, ऐसी दवाई कि बोन मैरो से ज्यादा सेल्स बने। जब ज्यादा सेल्स बनते हैं तो कुछ स्टेम सेल्स भी ब्लड में आ जाते हैं, तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ आती है। जो कैंसर के पेशेंट रहते हैं उनमें जो दवाई दी जाती है ब्लड बनने के लिए, एक्चुअली वही दवाई होती है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है। और जो तीसरा है स्टेम सेल से लेने का तरीका, वो है कि कार्ड ब्लड से। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो प्लेसेंटा होता है, उसकी जो नाल है, उसमें स्टेम सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आजकल ये काफ़ी चलन है कि बच्चे का जो कार्ड ब्लड है उसको स्टोर किया जाए। अगर स्टोर में HLA मैचिंग हो जाती है, राइट, आप अभी वो भी इनिशियल फेज में है, बहुत अच्छे से इंडिया में अभी वो सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, तो या तो कार्ड ब्लड से ले सकते हैं, या पेरिफेरल ब्लड से ले सकते हैं, या तो बोन मैरो से ले सकते हैं। ये अभी तक की जितनी बात हुई ये सारी डोनर की बात हुई, डोनर से स्टेम सेल्स लेने की बात है। इसको पूरी प्रोसेस को हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जो डोनर है उसको किसी तरीके से नुकसान पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें किसी तरीके का डोनर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता है, ना उस पर कोई सर्जरी होती है, ना उसके जीवन में कोई रिस्क होता है। बाकी ट्रांसप्लांट में होता है कि लीवर किडनी में डोनर से कुछ ले लिया, इसमें तो सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसा सेल्स लेना है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं, ये बात डोनर की हो गई, अब आ जाते हैं बात करते हैं पेशेंट्स की। अब पेशेंट का क्या है, इसके बोन मैरो को सबसे पहले नस करना है, जिसको बोलते हैं कंडीशनिंग, फिर बोन मैरो में इसके स्टेम सेल्स डालने हैं, जिसको बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, और फिर इसकी जो बोन मैरो है उस स्टेम सेल्स को ले ले और नए सेल्स बनाए, इसको बोलते हैं इनग्राफ्टमेंट। अब ये प्रोसेस थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें सेल्स को मारने के लिए पेशेंट की जिसको कंडीशनिंग बोलते हैं उसमें कीमो और रेडियो दिया जाता है। तो 10-12 दिन की ये प्रोसेस रहती है, इसमें साइकिल में कीमो रेडियो दिया जाता है हाई डोज का, ताकि इस बोन मैरो के अंदर जो सेल्स हैं वो सारे खत्म हो जाए, क्योंकि जब तक इसके सेल्स रहेंगे तब तक जो डोनर का स्टेम सेल्स है वो यहाँ पे कैसे काम करेगा, राइट। तो इसमें कई बार पेशेंट को क्या होता है कि जब WBC या उसके RBC नष्ट होते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, तो हॉस्पिटलाइजेशन की ही इसकी जरूरत पड़ती है, राइट। तो ये हो गई, हमने नष्ट कर दिया है जो पेशेंट है उसके मैरो को, अब इसमें ट्रांसप्लांट करना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी काफी कॉमन है कि क्या ट्रांसप्लांट में कोई सर्जरी करी जाती है कि नहीं? तो ट्रांसप्लांट में कोई सर्जरी नहीं की जाती, जैसे डोनर का हमने स्टेम सेल्स ले लिया था, उस तरह का ब्लड था, उसी ब्लड को इस पेशेंट के अंदर चढ़ा देना है। तो यूजली ये सेंट्रल वीनस लाइन से वेन के थ्रू ही चढ़ा दिया जाता है, तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसा है, तो ना तो ये बहुत पेनफुल है, ना तो इसमें कोई बड़ी सर्जरी की जरूरत होती है, राइट। अब जब ट्रांसप्लांट के बाद फिर रियल जो प्रोसेस होती है इनग्राफ्टमेंट की, उसमें थोड़ा सा समय लगता है, 15 दिन से 1 महीने का समय लग सकता है। अब ये जो सक्सेस रेट है, इस पर भी लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन करते हैं कि सक्सेस रेट कितना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सक्सेस रेट, अगर मैचिंग अच्छे से हुई है तो इंडिया के जो सेंटर्स हैं वो 80% या उससे ज़्यादा की सक्सेस रेट दे पाते हैं, अगर अच्छी मैचिंग हो गई सिबलिंग का या कोई अनरिलेटेड डोनर का। लेकिन अगर अच्छे से मैचिंग नहीं है, हाफ मैच है या पार्शियल मैच है, उस केसेस में सक्सेस रेट 50-60% के आसपास रहता है। और ये सक्सेस रेट इस बात पे भी डिपेंड करता है कि बीमारी की स्टेज क्या है। इनिशियल की स्टेज में ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे से होता है, पेशेंट की उम्र कम है तो ट्रांसप्लांट अच्छे से होता है, पेशेंट को और कोई बीमारी ना हो, लीवर किडनी इन सब की बीमारी ना हो, तो ट्रांसप्लांट अच्छे से होता है। और ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट तब और बढ़ जाता है जैसे किसी को कैंसर है और उसको कीमोथेरेपी से रिस्पांस अच्छा आ रहा है, जैसे मल्टीपल माइलोमा का केस है, दवाई देने के बाद अगर कंप्लीट रिमिशन हो पा रहा है या बीमारी बहुत कम बचती है, या ल्यूकीमिया के केसेस में, ऐसे केसेस में ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट बढ़ जाता है। तो इसी बात पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितनी ज़्यादा मैचिंग है, राइट। तो ये बात करते हैं इनग्राफ्टमेंट की, जो 15 से 20 दिन चलती है हॉस्पिटल में, थोड़ा इसको डॉक्टर की निगरानी में ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। एक तो ये रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है कि इन्फेक्शन ना होने पाए, क्योंकि WBC का काउंट कम होता है, क्योंकि हमने पेशेंट के मैरो को तो मार दिया है, तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए उसको दवाइयाँ दी जाती हैं। फंगल इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है और दूसरे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन होने का रिस्क बना रहता है। और दूसरा, इस दौरान एक बीमारी है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, वो नहीं हो उसके लिए भी कुछ दवाई दी जाती है, मतलब जो व्यक्ति है उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखना है कि ग्राफ्ट का रिजेक्शन नहीं हो, वो दवाइयाँ भी कुछ दिन चलेंगी। तो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज में होता गया है कि जो डोनर है उसके लिम्फोसाइट्स, क्योंकि डोनर के अंदर लिम्फोसाइट तो हैं, वो पेशेंट के सेल्स को मारने लगते हैं। ये बहुत ही रेयर है, ज़्यादातर जब रिलेटिव एक दूसरे को
बोन मैरो देते हैं तब ये होती है, राइट, ज़्यादातर केसेस में। पर बहुत लीथल कंडीशन है उसमें, पेशेंट को डायरिया हो जाना, उसकी स्किन में रैसेस आ जाना और हिपेटिक डैमेज होता है, राइट, जॉन्डिस वगैरह हो जाता है, तो इसको भी ध्यान दिया जाता है। तो ये इनग्राफ्टमेंट की पूरा प्रोसीजर है। तो अगर आप टाइम की बात करें कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने में कितना समय लगता है, तो अगर आपको अच्छा डोनर मिल गया है, मैच वाला डोनर मिल गया है, पेशेंट की कंडीशन ठीक है, तो लगभग मोटा मोटा आपको 1 महीने का समय है लगता है इन सब प्रोसीजर में। पर जो ट्रांसप्लांट वाला पोर्शन है वो तो बहुत छोटा सा है, बेसिकली जो चीज़ है वो तैयारी वाली ही है, राइट। अब फाइनल एक क्वेश्चन है कि भाई बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कितना पैसा लगता है, राइट। तो पैसे की बात करें तो अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बहुत सारे सेंटर्स इंडिया में हैं, सरकारी वाले तो फ्री में हो जाएंगे, जो प्राइवेट वाले होते हैं अगर फुल मैच है तो कम पैसे लगते हैं, 15 से 20 लाख एक मोटा मोटा हिसाब, काफ़ी वेरी करता है शहर टू शहर, सेंटर टू सेंटर, बट अगर मैचिंग अच्छे से है तो कम पैसे लगेंगे, लेकिन अगर हाफ मैच है या पार्शियल मैच है तब पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, फिर 25 से 30 लाख भी लग सकते हैं। तो ये तो बात हो गई पैसे की। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर कितने हैं देश में या कहाँ कहाँ हो जाता है, ये भी एक क्वेश्चन रहता है आप लोगों का, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे ये लिस्ट है ये अभी देखेंगे, इसमें बहुत सारे सरकारी बहुत सारे प्राइवेट संस्थाएं हैं जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करती हैं, तो इनमें से आपके एरिया में जो है पास में हो वहां पे जाके कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सेंटर की, राइट। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट का क्या रिस्क है, क्या नुकसान है, तो सबसे पहले तो शुरू में बता दिया था कि डोनर को तो कोई नुकसान नहीं है, डोनर तो उसको जरा भी नुकसान नहीं, उसको तो ब्लड देने जैसा है, राइट। पर जो रिसिपियंट है उसको नुकसान, जो मेजर नुकसान ये है कि एक तो फेलियर का रिस्क रहेगा कि बोन मैरो उसकी जो है वो स्टेम सेल्स को अच्छे से नहीं ले पा रही है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फेलियर एक बड़ा रिस्क है, जो कि अगर मैचिंग अच्छे से नहीं होगी तो ज़्यादा पेशेंट्स में रहता है। और एक दूसरी प्रॉब्लम है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज की, जिसमें रिजेक्शन होता है, मतलब जो डोनर के सेल्स हैं वो पेशेंट के सेल्स को मारते हैं। तीसरा, इन्फेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, रिस्क ये रहता है कि आपको इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत रहता है, क्योंकि आपका इम्यून सेल्स को तो मारा जा चुका है, राइट। इसके अलावा खून की कमी रहती है क्योंकि ब्लड सेल्स स्टेम सेल्स को मारा जा चुका है, तो ये रिस्क रहते हैं मोटा मोटा। कुछ लोगों को म्यूकोसाइटिस होती है, मतलब मुंह के अंदर इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाता है, तो ये इसके मेन रिस्क हो गए, राइट। अब एक दो क्वेश्चन और आपके लिए लेता हूँ। एक क्वेश्चन तो ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट का व्यक्ति कितने दिन तक जिंदा रहता है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का व्यक्ति जितना दिन कोई नॉर्मल व्यक्ति जिंदा रह सकता है उतना दिन तक जिंदा रहेगा अगर उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है, क्योंकि ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर सक्सेसफुल होता है तो आपकी जो बीमारी है वो क्योर हो गई है, राइट, कम्प्लीटली क्योर हो गई है। अब आपकी जो खराब मैरो थी उसकी जगह तो बिल्कुल नई मैरो आ गई है, तो अगर सक्सेस हो जाएगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो जितना सारे लोग जीवन जीते हैं जिंदा रहते हैं उतने दिन तक जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है वो भी जिंदा रहेगा। एक और क्वेश्चन रहता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में क्या खाना खाना चाहिए, तो खाना खाने का जो मेन इंपॉर्टेंस है वो है इनग्राफ्टमेंट फेज में और कंडीशनिंग फेज में। जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट अभी अभी आपको जस्ट हुआ है, आपकी इम्यून सिस्टम डिप्रेस है, उस समय एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज बिना कुक हुई, राइट, बिना उबाली या बिना भुने हुए तले हुए नहीं खाना है, क्योंकि उससे इन्फेक्शन आने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो खाना जो होना चाहिए हल्का होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, कैलरी डेंस होना चाहिए, खाने में मल्टीविटामिन भी कई बार दिया जाता है, प्रोटीन के सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं। तो खाने का जो मोटा मोटा हिसाब ये रहता है कि ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं जिससे इन्फेक्शन ज़्यादा आने का खतरा रहता है, जो कि बिना कुक की हुई चीज़ से आने का खतरा रहता है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।